हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस एपिसोड में इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जाम का प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने वाले हैं। आज का यह क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा। ड्राइंग एग्जाम गाइड इस चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत उसे सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकन को ऑल क्लिक करना है। वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा तो लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए राउंडर, इसे कंपास भी बोलते हैं, प्रोटेक्टर, स्केल और पेंसिल, इन ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। आज हम इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसका अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना है और उसे समझ लेना है। इंग्लिश क्वेश्चन, सेक्शन 5, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। एग्जाम्पल नंबर 10, टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम इज टू एडजेसेंट साइड्स एंड द एंगल बिटवीन देम बीइंग गिवन। क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम विद इट्स टू एडजेसेंट साइड्स बीइंग 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द एंगल कंटेंट बाय देम 55 डिग्री। हिंदी प्रश्न विभाग 5वां, चतुर्भुजों का निर्माण। उदाहरण 10वां, एक समांतर चतुर्भुज की रचना करने के लिए उसकी दो आसन्न भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया गया है। प्रश्न, एक समांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए, उसकी दो आसन्न भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी हो और उनके बीच का कोण 55 डिग्री हो। मराठी प्रश्न, 6 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर संलग्न बाजू व त्यामधील कोण 55 अंश असणारा समांतरभुज चौकोन काढा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 हमने इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में देखा है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिए गए अनुसार हमें एक AB लाइन लेना है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखना है AB 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसके बाद हमें प्रोटेक्टर लेना है और प्रोटेक्टर को ये पॉइंट पर लगाना है, केयरफुली से वहाँ पर मैच करना है। प्रोटेक्टर का सेंटर वाला पॉइंट ये पॉइंट से मैच किया है और ऊपर वाला ब्लैक लाइन AB लाइन से मैच हुआ है। यहाँ पर अब गिनती करना है 55 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पर मार्किंग करना है 55 डिग्री पर। उस मार्किंग को और ए पॉइंट को हमें जोड़ना है इस प्रकार से। यहाँ पर नाम देना है M, यहाँ पर M AB हमें एंगल मिल गया। इस एंगल का हमने जो डिग्री लिया था वो 55 इस प्रकार। उसके बाद हमें राउंडर लेना है, कंपास लेना है और कंपास में इस क्वेश्चन में हमें दो लाइन दिया था और एक एंगल दिया। दो लाइन में से हमने एक 6 सेंटीमीटर वाली लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है, एक एंगल लिया है और बची अब एक लाइन 4 सेंटीमीटर। वो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर वाली लाइन का डिस्टेंस, रेडियस कंपास में लेना है 4 सेंटीमीटर और उसके बाद ए पॉइंट पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर इस AM लाइन पर, एंगल के AM लाइन पर हमें एक आर्क बनाना है। आर्क बनने के बाद उस आर्क ने AM लाइन को यहाँ पर क्रॉस किया है, वहाँ पॉइंट मिला है, उसे नाम देना है D। इसका डिस्टेंस हमें यहाँ लिखना है 4 सेंटीमीटर। अब हमने कंपास में डिस्टेंस लिया था, रेडियस लिया था 4 सेंटीमीटर। उसी डिस्टेंस से B पॉइंट से, जैसे हमने यहाँ पर आर्क बनाया था उसी प्रकार से यहाँ पर एक आर्क बनाना है इस प्रकार से। उसके बाद हमें कंपास में रेडियस लेना है 6 सेंटीमीटर, यानी AB इतना डिस्टेंस कंपास में हमें लेना है इस प्रकार से। और कंपास का स्टील वाला पॉइंट हमें D पॉइंट पर रखकर यहाँ पर एक आर्क बनाना है, पहले वाले आर्क पर दूसरा एक आर्क बनाना है। कंपास में हमने डिस्टेंस लिया है AB इतना, यानी 6 सेंटीमीटर। चलो D पर रखते हैं और इस आर्क पर दूसरा आर्क बनाते हैं। दोनों आर्क
एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस हुए हैं, वहाँ पॉइंट मिला है, उसे नाम देना है सी। सी और बी इन दोनों पॉइंट को लाइन से जोड़ना है इस प्रकार से, और यहाँ पर डीसी लाइन को जोड़ना है इस प्रकार से। बच्चों, इस तरह से हमने आज समांतर चतुर्भुज की रचना यहाँ पर ड्रॉ की है। आप प्रैक्टिस करते समय इसका डिस्टेंस आपको चेंज करना है, ए बी लाइन का डिस्टेंस, ये एंगल चेंज करना है, ये ए डी लाइन का डिस्टेंस चेंज करके देखना है, और इस क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।